नमस्कार यूपीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूपीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपीएन 08 के साथ। जो देखा सो दिखाए। देखते रहिए यूपीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपीएन 08 के साथ। ब्यौरा राजगढ़ से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दौरान 20 जून को ब्यौरा नगर में टीकाकरण अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा एक रैली निकाली गई, जिसमें भाजपा कांग्रेस के पदाधिकारी और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी आदि शामिल हुए। इस रैली में जिला राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने रैली को संबोधित किया है और लोगों से अपील की गई है कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाने, अपने परिवार, मित्र, पड़ोसी, नगरवासी आदि सभी को कोरोना से सुरक्षित करें। ब्यौरा में कोरोना जागरूकता रैली को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने संबोधित किया। सम्माननीय जनप्रतिनिधि, सभी समाज सेवी संगठन, सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और यहाँ पर समस्त मुझे मेरी आवाज़ सुन रहे ब्यावरा नगर की जनता, कोविड की जो बीमारी है उसको बहुत करीब से हम सभी ने देखा है और वो समय भी हमने देखा है जब राजगढ़ जिले के अस्पताल में खोजे से बेड नहीं मिल रहे थे, ब्यावरा में भी बेडों की कमी थी। हम अपने परिजनों को जब अस्पताल में लेके आते थे तो ये सोचते थे कि कहाँ से हमें दवाइयाँ मिले, कहाँ से ऑक्सीजन मिले और हम सब ने बहुत परेशानी 15-20 दिन के लिए देखी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तीसरी लहर निश्चित तौर पर आएगी और जितना हम जल्दी सोच रहे हैं उससे ज़्यादा जल्दी आएगी। अगले 1.5 से 2 महीने में अगली लहर आना संभावित है और ये बात भी सत्य है कि ये जो लहर आएगी ये बच्चों को प्रभावित करेगी और जब बच्चे प्रभावित होंगे तो हम इस बार जितना परेशान हुए थे उससे कहीं ज़्यादा परेशानी हमें अगली बार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा जब परेशान होता है, बच्चा जब बीमार होता है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। इस बीमारी से बचने का और इसे आने से रोकने का सबसे कारगर उपाय है टीकाकरण। यहाँ पर आज आप देख रहे हैं कि नगर के सभी गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सब उपस्थित होकर एक ही बात कह रहे हैं कि टीका लगवा लें। उसका कारण यह है कि आपको लगता होगा कि आपको टीकाकरण की जरूरत नहीं है, आपको कोरोना कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपके सामने जो आदमी खड़ा है, आपके घर में जो परिवार है उसको कोरोना आपके माध्यम से प्रभावित और संक्रमित कर सकता है। आपके अंदर कीटाणु रहेगा तो वो आपके बच्चे तक जाएगा और आपके बच्चे को संक्रमित करेगा और बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो यदि हमें अपने बच्चों को बचाना है इस बीमारी से तो निश्चित तौर पर हमें कोविड का टीकाकरण करवाना होगा। जो डेटा हमारे सामने आ रहा है उसमें दिख रहा है कि पुरुष तो कई सारे आकर के लगवा रहे हैं टीका, लेकिन अपने घर की महिलाओं को नहीं भेज रहे हैं। अगर आप महिलाओं को नहीं भेजोगे तो उनके संक्रमित होने की संभावना है, वो संक्रमित होंगे तो आपके बच्चे संक्रमित होंगे। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि कल 21 जून को ब्यावरा नगर में बड़े स्तर पर टीकाकरण का कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर 31 केंद्र बना करके टीकाकरण कराया जा रहा है। आप अपना आधार कार्ड लेकर के, अगर आपके पास आधार नहीं है तो फिर वोटर आईडी लेकर के केंद्र पर पहुंचे, वहीं पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा और ऑन द स्पॉट आपका टीकाकरण हो जाएगा। जिसको द्वितीय डोज लगना है द्वितीय डोज भी वहीं उसी सेंटर पे लग जाएगी। तो कल का एक दिन है।